रही है क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर मुख्यालय स्थित सिद्धार्थ तिराहा पर शनिवार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकौड़ी बेचकर केंद्र की नीतियों का विरोध किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने ठेले पर युवाओं ने पकौड़ा खरीदकर खाने का साबित देखा गया। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस के युवा नेताओं ने पीएम मोदी व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पकौड़े के बयान की निंदा की और कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री युवा वर्ग को रोजगार देने के बजाय ठेले पर पकौड़ी बेचने की सलाह दे रहे हैं। केंद्र के विरोध में बेरोजगार युवा सम्मिलित हैं। इनका आरोप है कि केंद्र सरकार के 4 वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक युवाओं को रोजगार देने में केंद्र विफल है और युवाओं को रोजगार न देकर प्रधानमंत्री युवाओं को बरगला रहे हैं। प्रधानमंत्री को लोग अब समझ चुके हैं और केंद्र सरकार के झांसे में अब लोग नहीं आने वाले। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। का हमारा जो उद्देश्य है, मोदी जी ने जो एक अपने इंटरव्यू में जो मोदी जी ने बयान दिया था कि चैनल के वो जो चैनल था उस चैनल के बाहर जो जो बेरोजगार है पकौड़ी बेच रहा है उसको वो रोजगार की श्रेणी में मानते हैं, हम उसको रोजगार की श्रेणी नहीं मानते हैं क्योंकि हम उसे जीवन यापन करने का एक आधार मानते हैं और वो रोजगार नहीं है। क्योंकि रोजगार अगर मोदी जी नहीं दे सके तो पकौड़ी ना बेचवावें और जो उन्होंने बयान दिया उसी का विरोध करने के लिए हमारे आज युवा कांग्रेस के लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ डिग्री धारक भी हैं नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।